एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं मतलब मेरा फर्स्ट सुबह है मेरा मायके में, मतलब आप लोगों के सामने फर्स्ट सुबह है मेरा, फर्स्ट मॉर्निंग है आप लोगों के सामने, क्योंकि ब्लॉगिंग तो नहीं हुआ कभी भी, मतलब जब मैं घर आई हूँ ऐसा ब्लॉगिंग नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट मॉर्निंग है मेरा आज आप लोगों के सामने। तो अभी सिर्फ मुंह धो के फ्रेश होके आई हूँ, अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करना है। तो ब्रेकफास्ट करके फिर थोड़ा सा हम लोग मार्केट जाएंगे, बाहर थोड़ा निकलेगी मैं और मेरे हस्बैंड, थोड़ा सा काम है, फिर काम ख़त्म करके फिर आते हैं। चलिए, तो एक्चुअली गोल्ड के ज्वेलरी की दुकान पे जाएंगे हम, खरीदना है, तो खरीदने के बाद तो आप लोग से शेयर ज़रूर करेंगे। तो अभी जा रहे की कौन है सब मम्मी ऑलरेडी खाना बैठा दिया। ये इतना नहीं हमारा ब्रेकफास्ट, यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे दिया मम्मी ने, रोटी केला और इधर में देसी जो एक होता है, देसी एक है, देसी एक इतना नहीं, देसी डिम, देसी मुर्गी डिम, ये लोकल देसी मुर्गी का जो अंडा होता है वो है, और केला। तो अभी इससे ही ब्रेकफास्ट होगा और बाद में चाय भी पियेंगे। चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ अभी, तो अभी ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इधर पे क्या खाना बन रहा है? ये फूलगोभी, फूलगोभी का सब्जी, फिश। इधर पे है मटन, वो मम्मी प्रिपेयर करेगी, और फिश फ्राई ऑलरेडी कर चुकी है मम्मी, और इधर पे करेला और इधर अंडा। मम्मी खाना बना रही है अभी, मम्मी का तबीयत भी अच्छा नहीं है। तो हम अभी रेडी हो गए हैं, मैं मेरे हस्बैंड जाएंगे, अभी बोला था कि गोल्ड ज्वेलर की दुकान जाएंगे तो वही जाएंगे, तो रेडी हो गए हैं अभी जाएंगे। तो पता नहीं शायद वीडियो कर पाओ कि नहीं कर पाओ, पता नहीं, क्योंकि वो लोग अलाउ करेंगे तो ही वीडियो बना पाऊँगी, नहीं तो नहीं बना पाऊँगी। तो थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगी और क्या लाई हूँ वो भी दिखाऊँगी ज़रूर आप लोगों को। सो चलिए, तो हम अभी गोल्ड की दुकान पे ही जा रहे हैं, जो जो बड़े बड़े शॉप हैं गोल्ड ज्वेलरी शॉप में ही जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कोशिश किया वीडियो बनाने की, पर हुआ नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, धनतेरस है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैंने बहुत सारे डिज़ाइन देखी, मतलब मैं सिंपल में देख रही थी, तो बहुत सारे डिज़ाइन देखने के बाद मुझे एक डिज़ाइन पसंद आया, तो ये ही ज्वेलरी से मुझे मतलब वो गोल्ड बैंगल्स का डिज़ाइन पसंद आया, तो और मैंने ले लिया। तो अभी बिलिंग हो रहा है, तो प्रोसेस चल रहा है, और मैं इधर पे बैठी हुई हूँ, और मैं घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा डिज़ाइन, मतलब कौन सा गोल्ड बैंगल्स मैंने लिया। तो मैं आ गई हूँ घर पे अभी, और ये देखिए मेरे हाथ पे क्या है, मैं बैग के बारे से दिखा रही हूँ। ये है शंखो बधानो, बोलते हैं हम लोग बंगाली में शंखो बधानो, तो वही मैंने खरीदा था, मैं बैग के बारे से दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये ऐसा डिज़ाइन है, एकदम सिंपल सा ही मैंने लिया है, क्योंकि है ना घर पे रेगुलर यूज़ करूँगी, तो ये पैच में है, ये शाखा है, और शाखा में जो होता है ना गोल्ड का पैच दिया हुआ है, तो सिंपल में ही मैंने लिया है रेगुलर यूज़ के लिए। तो ये है मेरा धनतेरस का शॉपिंग, कैसा लग रहा है मुझे बोलिएगा। तो मैंने प्लेन में ही लिया एकदम, तो और इसके साथ ना मैंने जो ज्वेलरी शॉप से लिया है, तो ज्वेलरी शॉप से मुझे एक कप सेट है शायद, वो भी गिफ्ट किया है, जो मैं गोल्ड ज्वेलरी लिया है इसलिए गिफ्ट किया है मुझे कप सेट, तो वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ थोड़ा सा।
वाला दिया है कप सेट, कप है शायद, देखती हूँ खोल के कैसा है। ये देखिए ये ही डिजाइन, अच्छा ही है सिंपल में। दोनों ही सेम सेम ही है। ऐसा है दोनों, अच्छा ही है, सिंपल में है, अच्छा ही है, गिफ्ट मिला है फ्री में। और मैंने ये वाला शॉप से लिया है, गोपीनाथ ज्वेलर्स अगरतला, ये वाला शॉप से मुझे, मैंने बहुत शॉप देखा है, फिर ये वाला शॉप से ही मैंने सिंपल वाला मतलब डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है, मुझे अच्छा लगा तो वही ले ली। आप लोग बोलिएगा कैसा लग रहा है मेरे हाथ पे भी, कमेंट कीजिएगा। तो हम बाहर से आने के बाद अभी नहा धो के फ्रेश होकर अभी खाएंगे, तो मम्मी खाना रेडी कर रही है अभी, और बहुत ज़्यादा भूख लग गया क्योंकि आते आते हम लोगों को लेट हो गया था, 3 बज गया था, फिर नहा धो के फिर मतलब अभी खाना है। तो इधर पे देखिए मटन कौशा जो बोलते हैं मटन झोल, और फिश है एकदम देसी फिश, और फूलगोभी से बनाए हैं मम्मी, और बनाई है मम्मी करेला फ्राई और दाल, तो मसूर दाल, तो यही से होगा हम लोगों का लंच। तो चलिए फिर खाते हैं। तो हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं, मम्मी ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आज बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने वाली हूँ। अभी मटन है फिश है, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना है, तो खा लेती हूँ और इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए ये है गुड़ मिठाई, गुड़ मिठाई अपने हाथ ऊपर करके, और बीच में है हमारे राधा जी कन्हैया के साथ है, तुलसी भी है। हाँ, और ये है दिवाली के पहले दिन की क्रियाकर्म, चौथा प्रदीप जलाना। तो अभी ये चल रहा है, और कल दिवाली वाला जो है वो हम कल दिखाएंगे आप लोगों को, हाँ, क्योंकि कल होने वाला है धमाका। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत वॉइस ओवर दिया मेरे बोलने पर, और ये है मतलब मेरे पापा ने सजाया है मतलब लाइट से, तो ये पूरा डेकोरेट किया है, तो मैंने थोड़ा सा शेयर किया आप लोगों से, और पूरा ही मतलब पूजा के आगे से ही ये लगाया था, अभी दिवाली तक रख दिया है, और देखिए मतलब सारे घर में ही ऐसा ही है, लाइट जला के रख दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है दिवाली के आगे। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए पूरी पूरी लूची बन रहा है, पूरी। ये है लूची का लड्डू, इसको ऐसे यहाँ पे मैदे में थोड़ा डाल के फिर इसको ऐसे बनाया जाता है, हैं? हाँ। उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, तेल में फ्राई किया जाएगा। देखिए वाह, ये तैयार हो गया लूची, और फिर पायस के साथ एकदम मजे से, वाह ये देखिए ये क्या निकला है, वाह वाह वाह, ये है मुड़ी का मुआ, तो कौन है क्या बोलते, मुड़ी का मुआ लड्डू, मुड़ी का लड्डू ये बन रहा है, हैं? ये कौन बना रहा है, ये देखिए वेरी, मम्मी क्या कर रही है दिखाओ, मम्मी
ऑयल गरम कर रही है, आधे ऑयल में ये फ्राई किया जाएगा, ऐसे ऑयल में इसको फ्राई किया जाएगा और फ्राई करने के बाद लूची तैयार है। लूची तैयार कितना हो गया तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 लूची तैयार हो गया और यहाँ पे पड़े हैं अभी बाकी सब है। पेड़ा, लूची का पेड़ा, लूची का लड्डू विद जीरा, जीरा नहीं काला जीरा, हाँ काला जीरा। तो अभी थोड़ी देर बाद ये तैयार हो जाएगा, होने के बाद फिर हम दिखा देंगे एक बार कि भाई लूची फ्राई होने के बाद लूची तैयार। अभी हम यानी मैं ये भोजन करेंगे हैं। लड्डू ये लो, हो गया लूची तैयार। वाह देखो ये जा रहा है, एक लूची अभी कढ़ाई में डाला जाएगा। वाह वाह ये फ्राई हो रहा है। तो ये देखिए पूरी हो गया रेडी, मम्मी अभी सर्व करेगी। वाओ पूरी के साथ ये देखिए क्या है, ये है पायस, मतलब खीर जो बोलते चावल का खीर, हम लोग बंगाली में बोलते पायसम। तो ये है पायस के साथ पूरी। तो आज का स्नैक्स मतलब इवनिंग स्नैक्स जो है एकदम बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए ये है, अभी मैं सर्व करूँगी। पापा आपके लिए फुलको लुची, बहुत अच्छा तुम्हारे जन्नो, ये पूरा मेरा पसंद का आइटम है। हाँ ये है शुगर फ्री है ना, शुगर फ्री है पायस, पापा के लिए है शुगर फ्री पायस। पापा आप खाओ और बोलो कैसा हुआ है, मम्मी बनाई है। टेस्ट कर लेता हूँ पायस कैसा है। वाह मजेदार है। अच्छा लगा, मम्मी को कॉम्प्लीमेंट दो भी। माँ के बोलो माने बनाया। हाँ बहुत बढ़िया, दोनों ही माँ ने ही बनाया। चलो ये आया है हमारा चाय, अदरक वाला लाल चाय। हाँ गिफ्टेड कप, ये आज जो गिफ्ट का मतलब गोल्ड ज्वेलरी का जो गिफ्ट मिला था, हाँ उस गिफ्ट का कप है ये, और उस कप के साथ ही आज हम लोग चाय पी रहे हैं। ये कप दो कप दिया था गिफ्ट में मिला था। तो अभी नेक्स्ट डे सुबह का 5:30 बज गया है और हम जा रहे हैं अभी मायके से ससुराल। तो हम अभी जाने वाले हैं ट्रेन से, 2.5 घंटा लगेगा जाने में, थोड़ा स्पेशल ट्रेन मिल गया है इसलिए 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, नहीं तो और भी थोड़ा टाइम लगता। सो अभी जाएंगे और फिर बाद में मिलते हैं। चलो हम लोग जाते हैं, फिर मिलेंगे बाद में अभी के लिए। अभी भी देखिए सुबह अच्छी तरह से हुआ नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, सुबह होने में और भी 1/2 घंटा लगेगा। अभी 5:30 बज गया है सुबह का। तो हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और ये है अगरतला रेल स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग भी देख लीजिए जो लोग अगरतला रेल स्टेशन नहीं देखे। अगरतला रेल स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है और इतना बारिश था उस दिन, क्या बोलूँ, देख के समझ ही गए होंगे बहुत बारिश था। और अभी हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं और हम लोग का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, तो हम लोग ओवरब्रिज होके उस तरफ जाना पड़ेगा, तो वही जा रहे हैं हम। तो हम लोगों का 2 लगेज है ऑलरेडी, तो और अगरतला रेल स्टेशन में लिफ्ट नहीं है, सो ऐसे ही लेके जाना पड़ता है ऊपर, सीढ़ी से बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो लिफ्ट शायद करेंगे, ऐसा हो रहा है काम, अभी तक भी लिफ्ट नहीं है। तो ये देखिए ऐसे ओवरब्रिज से हम लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, तो यही है ट्रेन, तो हम लोग जाएंगे। और इतना बारिश हो रहा था कि क्या बोलूँ। तो चलिए देख से।
तो हम लोग अभी सीट पे बैठ गए हैं। हम लोग रिजर्वेशन ही था क्योंकि स्पेशल ट्रेन है, रिजर्वेशन के बिना तो होगा भी नहीं, और 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग, तो अच्छा ही है। 6 बजे उठे हैं और 8:30 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे, वही चीज़ अच्छा है, नहीं तो 10 बज जाता ऐसे नॉर्मल ट्रेन होते तो। और इतना अच्छा वेदर था तो मैं इधर पे थोड़ा सा ट्रेन का जो डोर है डोर में थोड़ा खड़ी हुई हूँ, क्योंकि इतना अच्छा वेदर था, बहुत ही मज़ा लग रहा था डोर पे खड़े होकर एंजॉय करना। तो बाहर का जो मतलब व्यू है वो देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो ये वीडियो को मैं इधर पे ही एंड करती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक दिन न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हो जाऊँगी। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।